उदाहरण तीन, निखिल ग्रामीण बैंक में एक वर्ष छह माह के लिए 10,000 रुपए सावधि जमा खाते में जमा करता है। यदि ब्याज की दर 8% प्रतिवर्ष है तथा उसका संयोजन अर्धवार्षिक हो तो निखिल के सावधि जमा खाते में जमा राशि का परिपक्वता मूल्य ज्ञात कीजिए। हल दिया है, हमारे पास दिया है मूलधन। सबसे पहले हमारे पास मूलधन है, मूलधन को हम प्रदर्शित करते हैं पी से, तो मूलधन पी बराबर ये है हमारे पास 10,000 रुपये। इसके बाद दर, दर जो है हमारे पास 8% वार्षिक है, दर 8% वार्षिक, जिसे हम अर्धवार्षिक ज्ञात करने के लिए 8 को 2 से भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4% अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक दर हो गई है हमारी अर्धवार्षिक। समय, समय हमारे पास n जो है, n से हम प्रदर्शित करते हैं n बराबर 1, n वर्ष, समय n बराबर 1 वर्ष 6 माह। अब हम जानते हैं कि 1 वर्ष में 2 माह होते हैं और 6 माह ये है, तो कुल मिला के हमारे पास 3 अर्धवर्ष है, 3 अर्धवर्ष। चूँकि अब हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, अब हमें मिश्र धन जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं इसे हमें ज्ञात करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। चूँकि हम जानते हैं कि मिश्र धन का जो सूत्र होता है, मिश्र धन बराबर ए बराबर पी कोष्टक में 1 धन r/100 n से हम ज्ञात करेंगे। अतः मिश्र धन ए बराबर मूलधन हमारा है 10,000 रुपये, कोष्टक में 1 धन, दर हमने ज्ञात किया 4% अर्धवार्षिक, तो ये 4% अर्धवार्षिक बटा 100, और कोष्टक के बाहर n के स्थान पे हमने 3 अर्धवर्ष निकाले थे तो n के स्थान पे हम 3 लिखेंगे। a बराबर यहाँ फिर हमने 10,000 लिखा और कोष्टक में 1 धन, 4 से काटेंगे 100 को, तो 4 एकम 4, और 4 को जब हम 100 को 4 से भाग देंगे तो 25 प्राप्त होगा, तो 1/25 कोष्टक बंद की घात 3, या a बराबर जो होगा वो होगा 10,000, और लघुत्तम हम निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 26/25 की घात 3, या a बराबर 10,000 × 26/25 की घात 3 है, तो 26/25 को हम गुणा करेंगे 26/25, तो गणना करने पर a का मान हमें प्राप्त होगा 11,248.64 रुपये। अतः निखिल को दे राशि को दे, अतः निखिल को दे परिपक्वता, अतः निखिल को दे परिपक्वता मूल्य 11,248.64 रुपये
64 रुपए है। तो इस तरह से हमने ज्ञात किया कि निखिल को दे परिवक्ता जो मूल्य है वो 11,248.64 रुपए है। यह इस उदाहरण का हल होगा।